हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो जी दिन हाल थर्सडे का तारीख है 30 जून और शाम के बज गए हैं 5 और 5 बजे आज मैं अपने काम पर लग गई हूँ। आज इतना काम पर जल्दी मैं क्यों लगी हूँ? सबसे पहले तो आज बच्चों को कहीं बाहर नहीं लेकर जाना है। सेकंड चीज़, आज बच्चों ने सारा दिन जो है वो खूब मस्ती करी है, खूब इन्जॉय करा है। कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, आज घर में कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई सोना नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आज जो सुबह 6 बजे से लगातार जो है वो बारिश हो रही थी। तो आज मेरा भी कोई ख़ास मन नहीं था कि मैं सारा दिन कुछ काम करूं, और बारिश में पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसमें नमी ज़्यादा बनती है, तो कोई फ़ायदा नहीं था झाड़ू पोछा वगैरह लगाने का। तो मैंने सुबह सुबह पूड़े जो उतारे थे वो पूड़े बनाकर जो है बच्चों के लिए बना दिया था, खिला दिया था, और दिन में कुछ लंच वगैरह बना दिया था। और कल मैंने पूड़े बनाए, सबने मैं उस रेसिपी को बहुत ज़्यादा सराहा है, सबने रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो जी अभी जो है मैं आलू की स्टफ़ शिमला मिर्च की रेसिपी भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, और उसके साथ जो है अच्छा एक चीज़ और है, अभी ना बारिश कुछ दिन इतने लंबे टाइम के जो बाद जो बारिश हुई ना कल, मैं भी काफ़ी जो है वो हरारत सी जो होता है कहते हैं ना कि आज मूड नहीं था काम करने का, वो वाला सिस्टम जो हो गया था। अच्छा कल कमेंट भी आया था, जब आप डीमोटिवेट होते हो, काम करने का मन नहीं करता, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? भाई देखो कोई नया तरीका तो मेरे पास कुछ है नहीं खास, क्योंकि हम रहते हैं अकेले ही, माँ के पापा ड्यूटी पर होते, मेरे परिवार में ऐसा कोई बड़ा बुज़ुर्ग भी नहीं है। मैं इवन पता है बहुत बार मुझे, मैं चाय भी अकेले बैठकर पीती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। शाम की चाय कई बार मैं स्किप भी करती हूँ, सुबह सुबह की चाय जो है वो मैं पी लेती हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती भाई, मैं बच्चों को फ्री छोड़ देती हूँ। आज जैसे आज छोड़ा हुआ, जो आपका जो तुम्हें काम करना है वो करो, और जिसको टीवी देखना वो टीवी देखो, जिसको फ़ोन देखना वो फ़ोन देखो। कभी कभी महीने, 2 महीने में, 3 महीने में ऐसा मतलब जो है दिन आ ही जाता है तो मैं ऐसा कर देती हूँ, और फिर बच्चों को फ़ोन दे, मैं थोड़ी देर जो है वो फिर आराम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, और कुछ जो है या फ़ोन में कुछ डिस्कवर करने लग जाती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ ऐसा करने लग जाती हूँ जो सिर्फ बैठे बैठे हो या फिर लेटे लेटे हो, भाई भाग भाग के मुझे कहा कोई काम ना करना पड़े, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं करने लग जाती हूँ भाई। और कोई ख़ास तरीका नहीं है अपने आप को मोटिवेट करने का। हाँ एक चीज़ और मैं करती हूँ, बहुत बार मैं ना मोटिवेशनल वीडियोज़ देखती हूँ। मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखने से क्या होता है ना, अपने आप एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में, और एक दूसरे इंसान को अगर जैसे आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं, मैं आप मेरे को काम करते हुए देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके उस अंदर भी जो है वो एनर्जी आ जाएगी कि ना इसने अपना काम ख़त्म कर लिया, मुझे भी अपना काम जो है वो ख़त्म करना है। अच्छा जी सबसे पहले ना उन दो लोगों को सॉरी, मैं जो है उनका रिप्लाई नहीं कर पाई थी, आज मैं उनको रिप्लाई करूँगी। उनका एक का कॉमेंट था कि 2-3 हैं उनके कॉमेंट्स के, आज मैं रिप्लाई करूँगी। एक का जो बच्चा वो 6 साल का है और वो खाता नहीं है, बहुत दुबला पतला है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ पूछा था। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि ना हर चीज़ को, चाहे आप ना कुछ भी खाएं, एक रोटी खाएं, आप आधी रोटी खाएं, बच्चे को ना साथ बिठा के रखें, आप फ्रूट खाएं, बच्चे को साथ में बैठा कर खिलाएं, और बच्चे को थोड़ा बहुत पहले उसको अकेले खाने के लिए दे, और जब अपना आप जो खाते हैं ना उसको ज़रूर साथ में खिलाएं। कभी भी आप ना अकेले बैठकर खाना ना खाएं, एक फैमिली के साथ जो है जी, या तो बच्चों बच्चे अपने आपके हस्बैंड के साथ खाना खाएं या आपके साथ खाना ज़रूर खाएं। रात को चने ज़रूर भिगोए, हम ज़रूर भिगोते हैं, मैं डेली तो नहीं भिगोती हूँ लेकिन दूसरे तीसरे दिन चने हम ज़रूर भिगोते हैं। क्या होता है ना, चीज़ें चेंज करने से क्या होता है, बच्चे जो है भी खाना सीख जाते हैं। डेली डेली सेम चीज़ लेने से क्या होता है कि बच्चे जो है ऊब जाते हैं, बच्चे भी फिर उस चीज़ से डेली डेली एक चीज़ जो खाते हैं ना, जैसे एक दिन आपने चने भिगो दिए और फिर क्या है ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए, बादाम है, अखरोट है, काजू है, किशमिश है, ये सारी भिगो दी चीज़ें, और बच्चों को ना अलग अलग चीज़ें बनाकर खिलाएं। क्या होता है ना कि जैसे कभी पोहा बना दिया, एक तो बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना दे, चिप्स देते हैं आप, चॉकलेट देते हैं, प्यार प्यार में लाड लाड में हम चीज़ें दे देते हैं बच्चों को, लेकिन पता है क्या, चिप्स है चॉकलेट है, बच्चे की भूख एकदम मार देती है। 2 मिनट के एक जीभ के स्वाद के लिए बच्चे का भूख ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सुबह दोपहर और शाम के खाने के टाइम, मैं ये नहीं कहती आप बिल्कुल भी ना दो, आपका इच्छा है तो आप ज़रूर दो, लेकिन जो है खाने का जब टाइम होता है ना, कम से कम उससे 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक, बिल्कुल 1 घंटे पहले तो बिल्कुल भी ना दे उस चीज़ को। और हर चीज़ में ना अपने बच्चे को अपने साथ रखें, कुछ भी खाते हैं ना आप, सबसे पहले आप बच्चे को खिलाएं, उसके बाद अपने आप खाएं। और अगर आप है ना खुद बच्चे को दे दोगे कि आप लोग खा लो, इतने तो बड़े हो गए, 6 साल का बच्चा अपने आप खा सकता है, वो ना धीरे धीरे क्या होता है ना फिर वो खाना छोड़ देता है। आप कभी भी नोट करना, कभी मान लो शुरू में वो आपके साथ 1 रोटी 2 रोटी खा लेता होगा ना, धीरे धीरे मान लो अकेला बैठ के 2-4 दिन वो अकेला खा लेगा, पेट भी भर लेगा मान लो,
उसके बाद जो है उसकी हैबिट एकदम चेंज हो जाएगी। दो रोटी से वो एक रोटी पर आएगा, एक रोटी से वो बिल्कुल आधी रोटी पर आएगा, फिर वो अपनी मनमानी करने लग जाएगा, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, वो वाला सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, एक का कमेंट आया था, दी मेरे दो बच्चे हैं एक एक साल के और मैं कैसे हैंडल करूँ मैं उनको। मैं सच बताऊँ, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपके दो बच्चे हैं ना तो आपको हाउस हेल्पर रखनी ही रखनी पड़ेगी। अगर दोनों सेम एज के हैं ना तो आपको हाउस हेल्पर रखनी पड़ेगी, बिना हाउस हेल्पर तो कैसे ही नहीं मैनेज होता। जैसे आपके दोनों बच्चे एक एक साल के हैं, एक लड़का एक लड़की है, दोनों एक एक साल के, मान लो एक तीन साल का एक एक साल का है, कुछ भी मान के चलो, मान लो एक एक साल का भी अंतर है, दो साल का भी अंतर है, बिना हाउस हेल्प के तो आप क्यों कैसे भी मैनेज नहीं कर सकते हो। क्योंकि पति को ऑफिस के लिए खाना जो वो टाइम से चाहिए, बच्चों को भी खाना टाइम से चाहिए, आपको नहाना धोना भी टाइम से है, हर चीज़ जो है वो टाइम से। और जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, उसकी बहुत छोटी छोटी भूख होती है। तो मैं ज़्यादा पूरे दिन के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आप कम से कम झाड़ू पोछा वगैरह लगाने के लिए आप हाउस हेल्प ज़रूर रख लें। और बच्चों के अपने लिए जो है वो आप इतने काम तो खुद मैनेज कर सकते हैं। बहुत बार तो है ना ऐसा हो जाता था मेरे साथ, बच्चे मतलब शुरू में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता था ना, तो एक बार तो सर्दी में मैंने, यकीन नहीं मानोगे, मैंने 18 दिन में सिर धुला था, वो भी अपने मायके जाकर मैंने अपना सिर धोया था। मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी मैं चीज़ों को। सबसे बड़ा और आसान तरीका यही है फ़िलहाल तो आपके लिए, कि आप एक हाउस हेल्प रख लें। हाउस हेल्प रखने में आपको फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप रख सकते हैं तो रख लें, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख सकते तो थोड़े बहुत टाइम के लिए ज़रूर रखें, ताकि आपकी बॉडी को भी आराम मिले और आप अच्छे से खाएं पिएं, सही डाइट लेंगे ना तो आप बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो जी, उसके बाद है ना एक का कॉमेंट आया था कि मान लो दी आपके घर में दो भाई हैं, एक दूसरे को दबाता है, ऐसा है वैसा है, मतलब पता नहीं कुछ इस तरह का कमेंट आया था किसी यूट्यूबर का। तो प्लीज़ मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहूँगी, मैं किसी की घर के मैटर में भी पर्सनल इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहती। ये आप लोगों के घर का जो पर्सनल मैटर है, जिसको आप आसानी से हैंडल करना जानते हो। इतना बच्चा आजकल कोई भी नहीं है, इतना मतलब बेवकूफ़ इंसान कोई भी नहीं है, उसको ये नहीं पता कि अपने घर का मैटर उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आपकी एक दो वीडियोस भी देखी, आपकी एज भी सही है, आप एक्सपीरियंस भी लगते हैं, तो और आपके घर में तो बड़े बुज़ुर्ग भी होंगे, तो प्लीज़ आप जो है अपने घर के मैटर को घर पर सॉल्व करें। तो जी बस, अभी जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि सारा दिन बच्चों ने खूब मस्ती करी है, तो अभी उसी के हिसाब से मैं अपने सारे काम कर रही हूँ। सब कुछ फैला पड़ा था, वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ ना, कमेंट्स काफ़ी सारे डेली बेसिस पे आते हैं, दी आप इतनी एनर्जी के साथ काम करते हो, आपके काम करने का तरीका हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पता है, हम स्क्रीन पर जो चीज़ देखते हैं ना, वो इतनी आसान होती है, हमें देखना उन चीज़ों को आसान होता है, लेकिन हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब आप, मैं ये देखिए, मुझे उठकर भागना पड़ा, मैं आलू छीलते छीलते कम से कम 3 से 4 बार मैं उठकर भागी हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग इतना शरारती है और आज तक वो बार बार जंगले के ऊपर चढ़ रहा है। मैं जब सोफ़े वगैरह सेट कर रही थी तब आपने देखा होगा, कम से कम 2 बार मैंने उसको उतारा है, एडिटिंग मैंने कर दी। अगर मैं फुल ऐसा व्लॉग डालती ना बिना एडिटिंग के, तो आप देखते पता नहीं कितनी बार मैंने उसको वहाँ से मैंने उतारा है। तो जी मतलब पता है क्या होता है, हर चीज़ को हैंडल करना पड़ता है, हर चीज़ को बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही शांति के साथ चीज़ें जो है वो हैंडल करनी पड़ती हैं, जब खासकर जब आपको ये पता है आपके पास 1% भी हेल्प नहीं है। हर चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत ही स्ट्रिक्टली मैनेज करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर मैं थोड़ा सा भी स्ट्रिक्टली ना चलूँ, थोड़ा सा भी मैनेजेबल मैं हर चीज़ को ना रखूँ ना, तो मेरा दिमाग ही ऐसा है, वो हर चीज़ उथल पुथल करके रख देगा और मतलब समझ से बाहर की बात हो जाएगी, आप की सोचते रह जाओगे कि आपको क्या करना है। अच्छा जी, एक चीज़ हो रहा है, मैंने आज पूरी कोशिश करी है कि मैं जो है थोड़ा सा धीरे बोलूँ, क्योंकि कुछ लोगों को जो है कल कमेंट्स भी आए थे कि उनको मेरी आवाज़, मेरे व्लॉग्स पसंद है लेकिन मैं तेज़ वॉल्यूम में बोलती हूँ, मेरी आवाज़ इतनी पसंद नहीं आती है। फिर हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी जो है शाम का टाइम हो गया, शाम के 6:30 हो गए हैं, बारिश अभी रुकी है, सुबह से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी और आज इसी उसमें मेरा, मैं अभी बहुत जो आलस मान के आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया खास, और बच्चों ने फुल मस्ती करी है, मैंने उनको रोका टोका नहीं, नहाए हैं बारिश में सुबह से ही, मतलब ज़्यादा देर तो नहीं नहाए, फिर वो ये होता है ना बीमार होने का डर रहता है। तो अभी शाम के खाने की सारी तैयारी हो गई, डिनर की सारी तैयारी हो गई है,
मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टफ शिमला मिर्च की रेसिपी। दूध उबल रहा है तब तक घी भी हमारा जो है वो गर्म हो जाएगा। बच्चों ने फुल मस्ती करी है, उधन पुधन सोफे भी और हिमाब को बार बार उधर सामने उस पर चढ़ भी रहा था, बेड पे भी और मतलब चारपाई पे भी, चद्दर इधर उधर, मतलब पूरा फ़ायदा उठाया कि आज मम्मी कुछ बोल ही नहीं, तो आज तुम जो चाहे तुम वो करो और पापा तो घर पे है ही नहीं, तो इसीलिए अभी माँ के पापा जो है वो आने वाले हैं, अभी फ़ोन आया उनका, तो उनके आने से पहले मैंने सारा सब कुछ सेट कर दिया। 15 मिनट लगी, सारा सेट हो गया बहुत अच्छे से, 15 से 20 मिनट लगी हैं। अभी जो है फटाफट से सब्ज़ी बना लेते हैं, फिर जो है रोटियाँ वगैरह सेक लेंगे। तो जी अभी यहाँ पर जो मैं आलू जो है छोकने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि आलू मेरे ठंडे हो गए थे, और ये था अगर ठंडे ना भी होते मैंने उसको ना अच्छे से फोक से उसको मतलब अच्छे से क्रश कर लिया था, क्योंकि अच्छे से फोड़ लिया था। क्या था ना कि माँ के पापा का भी फ़ोन आ गया था कि उन वो आ रहे हैं, तो ये था कि बंदा सारा दिन ऐसे, आज तो मौसम भी ऐसा होता बाहर का तला पला भी दिया, आज तो जैसे मार्केट वगैरह भी आई थिंक सबकी बंद ही थी, क्योंकि हर जगह ना बहुत ज़्यादा पानी जो है वो खड़ा हो गया था। तो ये था कि मैं फटाफट से सब्ज़ी रोटी तैयार कर देती हूँ, क्योंकि वो लोग क्या है उनका आते ही फिर वो खाना खाना होता है उनको। तो बस यहाँ पर जो है मैंने बेसिक से मसाले ऐड करे हैं, और आज बेसिक मसालों में मैंने जो है चाट मसाला और गरम मसाला भी ऐड किया, नहीं तो मैं एक मिर्च और जो है नमक और हल्दी जो सिर्फ वो ऐड करती थी। कभी कभी कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना, तब जाके जो है उसमें थोड़ा बहुत गरम मसाला और ये चीज़ें जो है वो ऐड करती हूँ। साथ साथ में तब तक दूध भी हमारा उबल गया था। और यहाँ पर आलू ना, जब आलू की बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसमें पता है ऐसा होता है सूखी सब्ज़ी जब बहुत अच्छी बनती है ना, तो आप कभी ध्यान देना कढ़ाई में कभी चिपकेगी नहीं। एक बार अच्छे से जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है ना, अभी थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है, एक बार सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती ना, तो वो आलू जो है वो एकदम कढ़ाई को छोड़ देता है, नीचे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी एकदम साफ़ हो जाती है आपकी कढ़ाई। मैं दिखाऊँगी अभी आपको, ये चीज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। ये वाली सब्ज़ी में मेहनत मतलब ऐसे फोड़ते हैं ना आलू को, मतलब अच्छी मतलब मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन टेस्टी भी सब्ज़ी उतनी ही बनती है। ये देखिए कढ़ाई एकदम साफ है, किसी तरह की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं लगी हुई। तब तक जो है मैंने क्या किया, सब्जी हमारी बन गई थी, आलू को मैंने कढ़ाई में अच्छे से फैला दिया है, तब तक जो ठंडी होगी ना तब तक जो है मैं आटा लगा के रख लूँगी। ये था ना, फिर बाद में गरम आलू मैं हाथों से तो भर नहीं सकती थी, लेकिन आटा वगैरह लगाए तब तक ठंडी हुई नहीं थी, तो मैंने आटा लगा कर क्या किया कि साथ साथ में गरम गरम चम्मच से ही मैंने उसको भर दिया। और मैं बैठ के आटा किस लिए, अच्छा मेरे पास कमेंट आया था दिया बैठ कर आटा क्यों लगाते हो, पहले तो आप खड़े होकर लगाते थे, बैठ कर आटा मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, एक तो कल ना एक कमेंट आया कि दी जो आप है ना इतनी क्या नाम, इतनी एनर्जेटिक हो, इतना काम करते हो, पता नहीं कौन था आईडी के पीछे, लड़का है लड़की, लेकिन आपका ना पेट जो है वो बाहर निकला हुआ है, आपका टमी जो है वो दिखता है। तो मैंने सिर्फ उनको कमेंट रिप्लाई तो इतना किया था कि मैं दो दो बच्चों की माँ हूँ तो भाई पेट नहीं दिखेगा, मैं 16 साल की लड़की थोड़ी ना हूँ, और जहाँ तक पेट दिखने का तो किसी का भी दिख जाए भाई, इतना पेट में मतलब दो दो बच्चों को जन्म दिया तो थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि दो बच्चों की माँ है ये। अच्छा बैठकर आटा लगाने का तुक पता है क्या होता है कि जब हम बैठकर खाना उकड़ू बैठकर है ना, कभी ट्राई करना लगातार, पहले के ज़माने में ये जो हमारे दादा नाना होते थे ना, चाचा ताऊ जो बड़े बुजुर्ग होते थे, वो कभी भी ज़मीन पर बहुत ही कम ना के बराबर चौकड़ी लगाकर खाना खाते थे, वो खाना हमेशा ना उकड़ू बैठकर खाते थे। अच्छा पहले की औरतें भी क्या करती थी, उकड़ू बैठकर ही जो है वो आटा वगैरह लगाती थी, सब्ज़ी बनाती थी चूल्हे पर। कभी देखा आपने चूल्हे पर मतलब चौकड़ी लगा के वो रोटियां वगैरह बनाना सेकना इस तरह की चीज़ें, ऐसा नहीं होता, ऐसे बैठकर रख के क्या होता है ना, फिर उससे उनके ना पेट हमेशा आपको देखने कभी सुनने को मिला, कभी पूछना आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो तो, उस टाइम पर लेडीज़ के पेट इतने दिखते नहीं थे, क्योंकि क्या होता है ना उकड़ू बैठकर जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसका असर जो है ना वो पेट पर जाता है, टांगों पर, थाइज पर जाता है, पैरों पर मतलब जो होती है ना उन पर भी जाता है। इससे क्या होता है पेट है ना थोड़ा अंदर की तरफ वो हो जाता है धीरे धीरे, पहले बैठकर भी पोछा लगाया जाता है हाथ से, तो यही थोड़ा सा ना ये ट्रिक होती थी, यही एक्सरसाइज मानी जाती थी औरतों की, तो पहले टाइम पर यही होता था। तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता, मैं इन छोटी छोटी चीज़ों से ही थोड़ा अपना जो एक्सरसाइज का वो थोड़ा सा वो ढूंढ लेती हूँ। बस अभी खाना भी हो गया रेडी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा, और गरम गरम खाना आप लोग भी इन्जॉय कीजिए हमारे साथ। आज काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शेयर करी हैं,
हम औरतों के लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जो हमें करने ही करने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां होती है हमारी जो हमें निभानी पड़ती ही पड़ती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए। थैंक यू।